फिरोजपुर फजलका हाईवे पर यात्रियों को पराली की वजह से दिक्कत हुई। दरअसल पराली से उठने वाले धुएं के गुबार ने कुछ वक्त के लिए सड़क के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और लंबा जाम लग गया। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में फिरोजपुर फाजिलका हाईवे पर यात्रियों को पराली की वजह से दिक्कत हुई। दरअसल पराली से उठने वाले धुएं के गुबार ने कुछ वक्त के लिए सड़क के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। बहुत ज्यादा खराब कर रही है, बहुत ज्यादा आवाजी बहुत बंद हो रही है। हाँ जी, प्रदूषण बहुत फैला है। हाँ जी, हाँ जी, अखा नुसाह पै रहा और प्रदूषण बहुत फैला रहे हैं। हाँ जी, की मांग कर रहे हो? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस की गड्डी लंघ रही को कोई देख नहीं रहा। सरकार की रिटायरमेंट कंडीशन किसानों को फॉलो करना चाहिए, सरकार ने भी किसानों की मदद करनी चाहिए, राशि करनी चाहिए, जितने लोड़ है मशीनरी की मशीनरी मुहैया करनी चाहिए जी। जितना की किसानों की जी है ये उपर जिनी लागत होंगी है, पैसे लागत होंगी वो कटे, किसान भी कोपरेट कर रहे जी। तो आज जो हम माहौल है जी, ये बड़ा खतरनाक धुएं करके अगला भी ट्रैफिक है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा वधे हुए हैं जी। फिरोजपुर जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक पराली जलाने के 497 मामले सामने आए हैं। पराली जलाने के मामलों में लोगों से 5.8 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जा चुका है, लेकिन फिर भी पराली जलाई जा रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। पिछले साल से बिल्कुल जी अराउंड 58 से 60% हमारे मामले कम आए हैं। पिछले साल इस दौरान करीबन 1400 से ऊपर मामले थे, जबकि इस साल सिर्फ 400 प्लस केसेस रजिस्टर हुए हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। प्रशासन ने किसानों को मशीनरी और दूसरे उपकरण देने का भी वादा किया है, जिससे वे कम लागत में पराली का निपटान कर सकेंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप जरूर देखें जन टीवी।